ये पैगाम दे रही है, हो सकता है तुम दोबारा इस आइन को मुअत्तल करने की साजिश करो, लेकिन इस आइन में जो इसकी ताकत है, इस आइन ने जो खत्मे नबूवत का मसला हल किया है, लिहाजा ये जो खत्मे नबूवत की ताकत है, तुम जब जब इस आइन को मुअत्तल करोगे, जब जब इस आइन के खिलाफ साजिश करोगे, ये आइन बहाल होता रहेगा, ये आइन बहाल होता रहेगा। तो एक तो इस आइन ने खत्मे नबूवत का मसला हल किया है, दूसरा ये जो आइन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो आइन है, इस आइन का की जो आर्टिकल 40 है, 40, उसको आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये जो पाकिस्तान का 1973 का आइन है, इसमें बहुत सी खसूसियात हैं, लेकिन ये आलम इस्लाम के इतिहाद का सबक भी देता है। और ना ही कोई फलस्तीन के मसले पे सौदेबाजी कर सकता है। आर्टिकल 40, ये आइन जो है, इसके खिलाफ जो आलमी साजिशें होती हैं, उसकी बहुत सी वजूहात में से एक वजह तो खत्मे नबूवत, और दूसरी वजह यह है कुछ ताकतें चाहती हैं पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। इस रास्ते में भी सबसे बड़ी रुकावट 1973 का आइन है, और यही वो आइन है जिसकी तश्कील में मौलाना शाह मदनानी, मुफ्ती महमूद, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और हमारे जो दीगर बुजुर्ग थे, उन्होंने मिलकर किरदार अदा किया। उन्होंने ऐसे ऐसे इस आइन में नाके लगा रखे हैं, ऐसे ऐसे नाके लगा रखे हैं कि उन नाकों से गुजरना बहुत मुश्किल है। जो खत्मे नबूवत को खत्म करना चाहते हैं, खत्मे नबूवत के आर्टिकल को खत्म करना चाहते हैं, इस आइन के नाकों में से गुजरना मुश्किल है। जो इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, इस आइन के नाकों में से गुजरना जरूरी है। इसलिए याद रखिएगा मेरे भाइयों बुजुर्गों, याद रखिएगा, पाकिस्तान में जो शख्स भी 1973 के आइन की मुखालफत करता है, इस आइन को बदलने का मुतालबा करता है, उसका आगा देखो, उसका पीछा देखो, उसके पस मंजर में चले जाओ, उसके खानदान का जो शजरा नसब है उसको गौर से जानने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। लिहाजा ये बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूं, आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख के बहुत अहम दिन है, और इन दिनों में मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथियों पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद हो रही हैं, और इन जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आपने 1973 के आइन का तहफ्फुज़ करना है, वो आइन जिसकी तश्कील में मौलाना शाह मंदुरानी सदीकी ने किरदार अदा किया, वो आइन जिसमें मौलाना शाह मंदुरानी सदीकी ने जनाब मौलाना मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर गफूर अहमद और दीगर उलमाए कराम के साथ मिलकर खत्मे नबूवत की शिक डाली और खत्मे नबूवत का मसला हल किया। और इस पादाश में आप देखिए, हमारे ये जो बुजुर्ग हैं, इनको डिक्टेटरों ने बहुत इनके हौसले तोड़ने की कोशिश की, इनको जेलों में डाला, लेकिन इन्होंने किसी डिक्टेटर के सामने अपना सर नहीं झुकाया। एमआरडी की तहरीक के जमाने में जेयूआई को, जेयूपी को, तमाम सियासी जमातों को तोड़ने की कोशिश की गई, तोड़ने की साजिश की गई। परवेज मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को और दीगर जमातों को तोड़ने की साजिश की गई, और मुझे लगता है कि हर बड़ी सियासी जमात जो है उसको तोड़ने की साजिश हो चुकी है, साजिश नाकाम हो चुकी है। अब दूसरी बड़ी सियासी जमातों की बारी है, जो पता नहीं किस किस के हाथों इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। मेरी मुझ नाचीज की जो राय है उसके मुताबिक, ये जो यहां पे कायदीन बैठे हैं स्टेज पर, इनमें से भी दो तीन लोगों के खिलाफ साजिश हो रही है, और हमेशा मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इंगेज करने की कोशिश की जाती है, डायलॉग के नाम पे रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है, दोबारा ये कोशिश की जा रही है कौमी मुफाद में, आइन के नाम पर, पाकिस्तान का जो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट है, आइए बैठते हैं, जरा आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन मौलाना साहब जो हैं, उनको पता है कि असल मकसद क्या है। असल मकसद यह है कि वो सियासी कूतें जो 1973 के आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और इस आइन के तहफ्फुज़ पर इकट्ठी हो चुकी हैं, उनको आपस में तोड़ा जाए,
लिहाजा मुझे यकीन है कि अगर आज मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी जिंदा होते तो वो भी मुफाहमत के नाम पर किसी के साथ कोई सौदेबाजी ना करते। हमें यकीन है कि मौलाना फजल रहमान और उनके साथी भी मुफाहमत के नाम पर किसी के साथ कोई ना सौदेबाजी करेंगे और ना ही किसी के बहकावे में आएंगे, क्योंकि ये जो आज आप लोगों को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तारीख के एक फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो रहा है, तो इसमें दो चीजें बहुत अहम हैं। 1973 का आइन, खत्म नबूवत, इसराइल। सिर्फ 1973 के आइन ने खत्म नबूवत के दुश्मनों और इसराइल का रास्ता रोका हुआ है। आइन हट गया बीच में से, 1973 का आइन अगर हट गया बीच में से तो पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों का रास्ता साफ हो जाएगा। फैसला आपके हाथ में है, मौलाना फजल रहमान के हाथ में है, अवैस नूरानी और अनस नूरानी के हाथ में है, जनाब सिराजुल हक साहब के हाथ में है, नवाज शरीफ साहब के हाथ में है, आसिफ अली जरदारी और बिलावल के हाथ में है, रजा रबानी साहब के हाथ में है। आपने फैसला करना है आपने किसके साथ जाना है, और मुझे यकीन है कि आप उसी के साथ जाएंगे जिसके साथ हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी खड़े थे। बहुत बहुत